एएनआई को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर मसले का समाधान संविधान के दायरे में होना चाहिए। न्यायपालिका से फैसला आने के बाद ही सरकार अपनी जिम्मेदारी करेगी पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया है, सरकार को आलोचनाएं मंजूर हैं, देश की सुरक्षा के साथ समझौता मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा और अमित शाह को सोहराबुद्दीन के मामले में फंसाया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी प्रेमियों को नए साल का दिया है नायाब तोहफा, 1 जनवरी से होने वाले निर्णयों की प्रतियां मांगे जाने पर हिंदी में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई को साक्षात्कार दिया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार दिए। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की मर्यादाओं में राम मंदिर मसले का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से फैसला आने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि वो अपने वकीलों को कोर्ट की कार्रवाई में रूकावट डालने से रोके। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बल लगाएं। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राफेल से जुड़े आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोप मुझ पर नहीं सरकार पर हैं और सरकार ने संसद में जवाब दे दिया है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को आलोचनाएं मंजूर हैं लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए, ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो देख भाई, हाँ यहां का लिंक यहां, यहां का लिंक यहां है, ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तलाक धार्मिक आस्था का मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय का मसला है। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता,
लेकिन दुनिया इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहां पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर है जहां ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं, कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि 2019 का आम चुनाव जनता और गठबंधन के बीच होगा। पीएम ने कहा कि खुद को बचाने के लिए बन रहा गठबंधन का तेलंगाना में प्रयोग विफल रहा है। आखिर महागठबंधन महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहां से दो दो स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। और आखिरकार ये हो लोग हो गए हैं, ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। उनका इरादा एकमात्र मोदी है, मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल दीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है, भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था, जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल कर राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेज गठबंधन होने वाला है। तेलंगाना में गठबंधन का क्या हाल हुआ? बुरा हाल हुआ, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। वो गठबंधन का पहला प्रयोग था, पूरी तरह विफल गया। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सब लोगों ने तय किया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता ने नकार दिया, 74% वोटिंग हो गया। अभी आसाम के अंदर ये सारा गठबंधन एक बाजू था, भारतीय जनता पार्टी एक बाजू थी पंचायतों के चुनाव में, गठबंधन का हाल बुरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी त्रिपुरा के अंदर यही गठबंधन के लोग वहां मैदान में थे, खुला कोशिश कर रहे थे, 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गठबंधन का हाल बुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करती रही है। उन्होंने कहा कि सोहराबुद्दीन मामले में कांग्रेस ने अमित शाह को साजिशन फंसाया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की साजिश बेनकाब हुई है, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कोर्ट के हम आभारी हैं। लेकिन उस सबके बावजूद किस तरीके से कांग्रेस के लोगों के द्वारा 2007 में गुजरात विधानसभा का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीतने के बाद किस तरीके से मोदी जी को और अमित शाह जी को टारगेट करके कांग्रेस ने मनगणंत और राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया, यह सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के अभी हाल ही में दिए गए फैसले से स्पष्ट हो गया है। इन सब ने षड्यंत्र करके कैसे
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, श्री अमित शाह जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार का एक षड्यंत्र किया था, यह इस स्पेशल कोर्ट के फैसले से एक बार पुनः उजागर हो गया है। कांग्रेस एक आतंकवादी के हितों के लिए लड़ रही है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को नए साल का नायाब तोहफा दिया है। अब 1 जनवरी से वादकारियों को अंग्रेजी भाषा के आदेशों की हिंदी भाषा में प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मांगे जाने पर कोर्ट के अंग्रेजी भाषा के आदेश का हिंदी भाषा में अनुवाद कर प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रशासनिक कमेटी की बैठक में विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है। यदि कोई वादकारी किसी आदेश की प्रति हिंदी भाषा में देने के लिए आवेदन देगा तो नियत शुल्क पर उसके लिए आदेश का हिंदी अनुवाद दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि अंग्रेजी की बेहतर समझ न रखने वाले लोग कोर्ट के आदेश को आसानी से समझ सकें। इससे हिंदी भाषियों को कोर्ट के आदेश को समझने में आसानी होगी। हाईकोर्ट द्वारा हिंदी भाषा में आदेश की प्रति देने का फैसला दूरगामी परिणाम देने वाला बनेगा। वहीं याचियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, इससे 70% हिंदी भाषी लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सफल और सराहनीय दिया गया है हाईकोर्ट न्यायालय से। आज के इसमें जो है 50% लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे फैसले में क्या आया है इंग्लिश में आने से, लेकिन अब हिंदी में आ गया, इसका बड़ा ही सराहनीय और उत्तम विचार है न्यायालय का। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आदेश आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का हिंदी में, इंग्लिश से जो हिंदी किए हैं और जो गरीब आदमी जाता था हाई कोर्ट में वो समझ नहीं पाता था मुकदमे में क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या आदेश हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जाता था, 70% लोग वहाँ असहाय, गरीब और अनपढ़ जाते थे, जो कम पढ़े लिखे होते थे और उनको बहुत कठिनाई होती थी बोलने में, समझने में। अपने वकीलों से पूछना पड़ता था क्या आदेश आया, क्या आदेश नहीं आया है, और अब ऐसा नहीं है। अब लोग समझ पाएंगे हिंदी में क्या आदेश किया है जज ने। इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल फिर से अमरोहा में 5 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के बाद वहां छापेमारी की। एनआईए ने आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकतुल हर्ब इस्लाम के सरगना मुफ्ती हुसैन समेत 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार रिमांड पर लिया है। एनआईए को पूछताछ में अमरोहा से जुड़े कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। दरअसल 26 दिसंबर को एनआईए ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के नए मॉड्यूल का खुलासा किया था। इस मामले में दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। राम मंदिर पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अयोध्या से संतों और पक्षकारों की प्रक्रिया आई है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी और मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मोदी के बयान का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मोदी के बयान से असहमत दिखे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार बयान आया है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के पहले अध्यादेश संभव नहीं है। ये हिंदुस्तान का कानून भी है, संविधान भी है, पूरी दुनिया में नाम भी है। कोर्ट फैसला देगा चाहे जिस चीज का फैसला है, कोर्ट ही फैसला करता है। अगर लोग जो है कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट फैसला भी देता है, सबूतों के आधार पर देता है। हिंदुस्तान का संविधान टिका हुआ है तो कानून और व्यवस्था भी टिका हुआ है। आज हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि अध्यादेश, कानून, ये तमाम चीज़ें लोग बात करते रहते हैं, जो कुछ भी कहा उन्होंने ठीक कहा है कि कानून बना हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा, सबूतों के आधार पर करेगा। जो कोर्ट करेगा वो हम लोग भी मानेंगे, पूरी दुनिया मानेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देश ही नहीं विश्व में जहाँ जहाँ भी भगवान के भक्त हैं, जहाँ भी हिंदू है, वो राम मंदिर के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति आस्थावान है, आशा लगाए बैठा हुआ है। और अगर राम जन्मभूमि का कार्य नहीं होता है
तो हम लोग कितना भी लोगों को समझावें लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के 64वें जन्मदिन के अवसर पर आज अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के 64 सदस्यों ने केजीएमयू में रक्तदान कर स्वामी प्रसाद मौर्य की दीर्घायु की कामना की। रक्तदान शिविर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गोपाल जी टंडन ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोगों ने मेरे प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया है मैं उसका धन्यवाद करता हूं। वहीं गोपाल जी टंडन ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर लोगों ने जो रक्तदान किया है वो एक अच्छी पहल है और ये रक्त देशवासियों के काम आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे प्रदेश के एक जाने माने राजनेता हैं। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज सेवा में कीर्तिमान स्थापित करते रहें और जनता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका इतना जुड़ाव और इतना लगाव है कि आज उनके जन्म दिवस पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। ये बड़ा नेक कार्य है। मैं उन सभी नवयुवकों को जो रक्तदान जैसा महादान करके अपना एक नया जोश दिखाया है, त्याग और समर्पण की भावना दिखाई है, उन सभी नौजवानों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यद्यपि 64वें जन्मदिन के अवसर पर 64 लोगों का अंतिम रूप से नाम तय हुआ था लेकिन जिस तरीके से ब्लड डोनेट करने वालों की एक होड़ सी लगी है लगता है ये संख्या सैकड़ा भी पार जाएगी और इन नौजवानों का किया गया महादान रक्तदान के रूप में कहीं न कहीं जीवन दान देगा। हापुड़ की तहसील धौलाना के गांव पिपलेड़ा में ग्रामीणों ने गौरक्षा को लेकर एकता की मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने पंचायत कर गौकशी के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर एक कमेटी गठित की है। इस पंचायत में सैकड़ों हिंदू मुस्लिमों ने पंचायत करके अपने आसपास के क्षेत्रों में गौकशी नहीं होने देने की शपथ ली है। ग्रामीणों ने मिलकर तय किया कि गौरक्षा के लिए पंचायत के सभी लोग तत्पर रहेंगे और कहीं भी गौकशी अगर होती है तो सभी लोग प्रशासन को सूचित करेंगे, अफवाहें न फैलाएंगे और न अफवाहों पर ध्यान देंगे, किसी भी कीमत पर गांव का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान हाजी मंसूर अली ने भी सभी ग्रामवासियों से अपील की कि हमेशा गांव में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें और आपसी प्यार और भाईचारा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इस भाईचारे को कायम रखें। इस पर पूर्ण रूप से आज से रोक लगा दी गई है। सफाई के बारे में जहां कूड़े पड़े हुए हैं उन कूड़े को वहां से हटाया जाएगा, सफाई की जाएगी और जो टंकी का पानी है वो पानी यूज किया जाएगा। बाग में जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, इसके अभी निडोरी में हुआ था, पीछे बझेड़े में हुआ था, आसपास के इलाके हैं सब, इसलिए इस पर बहुत सीरियस होकर हमने सारे समाज को इकट्ठा करके बंद किया गया। गौकशी के बारे में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कल मुझे पता लगा कि वहाँ से धौलाना थाने से तो इन्फॉर्मेशन को खबर आई थी कि गांव के सभी लोग इकट्ठे किए जाएं और उनको समझाया जाए कि गौकशी ना की जाए क्योंकि गौकशी करने से पूरे इलाके का, पूरे जिले का, प्रदेश का भाईचारा जो है वो ख़त्म होता है और कोई चीज़ अगर किसी की आस्था से जुड़ी हुई है तो दूसरे समुदाय के लोगों को उससे उसकी आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे गांव पिपलाड़ा में प्रधान जी ने एक पंचायत बुलाई थी, ग्राम पंचायत, जिसमें गौकशी को मुद्दे को लेकर यहाँ पे एक पंचायत की गई। कैसे जो गौकशी हो रही है या बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं दूसरे गाँवों में, तो हमारे गाँव में भी कोई ऐसी घटना ना हो उसी को लेकर पहले ही यहाँ पे एक पंचायत की गई है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में इस चीज़ पर कैसे रोक लगाई जाए। तो प्रधान जी ने हमारे यहाँ पे पंचायत बुलाई जो एक बहुत अच्छी पहल है। बरेली में आवारा पशुओं से किसानों को बड़ी राहत मिल गई है। जिले में 1000 से अधिक गायों को रखने के लिए कान्हा उपवन गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिससे खुले में घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जा रहा है और किसानों को छुट्टा खुले घूम रहे पशुओं से निजात मिल गई है जो खेतों में खड़ी हुई फसल को लंबे समय से नुकसान पहुंचा रहे थे। किसानों का कहना है कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, सरकार अधिक से अधिक इस तरह की गौशाला बनाए जिससे किसान और उसके पशु भी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें।
कानो वन जब से बना है तब से एक तो फायदा ये हुआ है कि जो आवारा गाय या जो लोग दूध दू करके और सड़कों पर छोड़ देते गायों के लिए, और वो गाय जो थी चा करके खेतों में किसानों को नुकसान पहुंचाती थी। अब कानोबन ये हो गया है कि उन्होंने गायों को पकड़ा और कानोबन में पहुंचा दिया, चाहे वो आवारा पशु हो चाहे वो घूमने वाली गाय हो, उनको कानोबन में पहुंच गई है। तो वो अब अधिकांशता जो है इस पर रोक लगी है और किसानों को बड़ी राहत मिली है इससे। देखिए ये जो आवारा जानवर होते थे तो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। जब आवारा फिर रहे हैं तो किसी खेत में भी घुस रहे हैं और वो अपना उनका जो भी तैयार फसल है या जो शुरुआत फसल है वो उनकी बर्बाद हो जाती थी। तो उनके लिए भी किसान भी को भी फायदा हुआ इनसे, और दूसरे ये कि खुद उनको भी एक अच्छी जगह एक सहारा मिल गया। अब उनको कोई मार भी नहीं सकेगा और वो अपने तौर से उन्हें जो जो भी प्रबंध करता है उसे चारा पानी भी देगा। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के बीच इस बार मुरादाबाद में बेघर असहाय लोगों को खुले में रात बिताने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दरअसल मुरादाबाद के इस बार समय से पूर्व ही सभी स्थायी और अस्थायी आश्रय गृहों शेल्टर होम को शुरू करके व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसका नतीजा अब यह है कि हर बेघर आश्रय गृहों में गर्म कंबल रजाइयों चादरों के बीच अपनी रात गुजार रहे हैं। आश्रयहीन सद्दाम और दीपक कहते हैं कि बाहर बहुत सर्दी है लेकिन शेल्टर होम्स में इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, अंदर ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा है। शेल्टर होम पूरी तरह से निःशुल्क है, यहां मिलने वाले लिहाफ कंबल गद्दी और तकिए बहुत अच्छे और गर्म है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए सभी शेल्टर होम आश्रय घरों को शुरू किया जा चुका है, सभी तहसीलों में कंबलों का वितरण कराया जा चुका है। इसके अलावा वो और अधिकारी रात में भ्रमण करके खुले में सोते पाए जाने वालों को शेल्टर होम में पहुंचवा रहे हैं। व्यवस्था एक नंबर की है। क्या क्या सुविधा मिली हुई आपको यहाँ पर? चादर कंबल सब चीज मिल गई, एक नंबर है। सरकार ने एक नंबर का काम करा। तो रात में ट्रेन नहीं, यहाँ पे 8 बजे का ट्रेन बंद हो जाती है बस। अब सुबह 4 बजे की, सुबह 4 बजे हमें काट नहीं दी। अब अंदर गए तो पुलवाला ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं घुस सकते। तो भाई बोले भाई यह फ्री सेवा है मगर आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड दिखा गया, हमें सुविधा मिल गई और दिल खुश हो गया देख के, याद भी मिल रहा है ठंड के मौसम में। ऐसे मौसम में कहाँ जाए पब्लिक। सर रहने की मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट और मतलब तरीका सही है, सुविधा भी अच्छी खासी है, यहाँ पे देखभाल भी पूरा है। सर मुझे अच्छा लगा ये मतलब रहने का तरीका यहाँ पे, मतलब जो भी सरकार ने करा बहुत ही अच्छा करा है यहाँ पे। सर देखिए हमने हर तहसील को जो है वो 50,000 रुपये का फंड्स प्रोवाइड किया हुआ है अलाव जलाने के लिए। बाकी मैंने सभी तहसीलों में कंबल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी कंबल वितरित किए जा रहे हैं और सरकार की ओर से भी लगभग 5,000 कंबल की धनराशि प्राप्त हुई थी, जो तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूट कंबलों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है। और तहसील में यही निर्देश है कि लेखपाल हल्कावार सूचना प्राप्त कर लें लेखपालों के माध्यम से, जो भी निराश्रित या बेसहारा लोग हैं उनको हम जरूर कंबल पहुंचाएंगे, भले वो हम जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से पर्याप्त धनराशि हमारे पास उपलब्ध है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से उनको कंबल वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कुंभ मेले की। इस बार के कुंभ मेले में कई योजनाओं को पहली बार प्रयोग में लाया जा रहा है जो पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ऐसे में इस बार न्यूजीलैंड से खास तरह की मंगाई गई 4 रेस्क्यू बोट को संगम क्षेत्र में तैनात किया गया है। इन रेस्क्यू बोट की खास बात यह है कि ये बेहद तेज गति से जाकर राहत और बचाव का काम करेंगी। इस रेस्क्यू बोट में 7 लोग सवार रहेंगे जिसमें 3 विशेष गोताखोर रहेंगे जो किसी भी व्यक्ति को बचाने का काम करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेस्क्यू बोट को चलाने के लिए विशेष बोट ड्राइवर भी रखे गए हैं जो 24 घंटे संगम तट पर मौजूद रहेंगे। रेस्क्यू बोट की गति इतनी तेज है कि पल भर में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का कार्य करेगी। इन रेस्क्यू बोट की जिम्मेदारी मुंबई से आए हुए नेवल जॉर्ज को मिली है जो इन बोट्स के टेक्निकल इंचार्ज हैं। नेवल ने इन बोट्स की खासियत और खूबियों के बारे में बताया। इस बोट को मेला प्रशासन ने विदेशों से मंगाया है। वैसे भी जानते हैं आप इस कुंभ को खास तौर से हमारी योगी सरकार देख रहे हैं, इसको दिव्य कुंभ भव्य कुंभ बनाया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई अनहोनी होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मंगाया गया है। बहुत भव्य बोट है, इसकी तीव्रता भी बहुत तेज है, फास्ट है। ये
लाइफ में पहली बार यहाँ पे कुंभ क्षेत्र में आया है। ठीक है, और की क्या खासियत रहेगी? चार रेस्क्यू बोट आए हैं और ये सबसे स्पीड सबसे फास्टेस्ट बोट भारत में आएगी। ये है कि इसका जो क्वालिटी जो बनाए ला वो HDP हाई डेंसिटी पॉलीयुरेथेन है, ये ना सिंक हो जाता है ना ये कभी टूट सके, जब वहाँ किसी से भी टकरा जाएंगे वापस बाउंस होके वापस आ जाएगा। ये आई है न्यूजीलैंड से आई ली है, ये न्यूजीलैंड से आई ली है ये बोट, और इसके ऊपर 115 का HPO का हॉर्स पावर का एक इंजन लगेला है जो भारत में सबसे स्पीडेस्ट बोट यही है। इसके अंदर एक GPS भी लगेला रहता है, जहाँ पे रेस्क्यू का कुछ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा तो उसमें मालूम पड़ जाता है और ताबड़तोब उसको जाके रेस्क्यू करा जाता है। मौसम की जानकारी। पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सर्द हवाओं के साथ समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर है। आज राजधानी लखनऊ में सुबह के समय हल्का कोहरा और बदली छाई रही, बावजूद इसके शाम को ठिठुरन महसूस की जा रही है। प्रदेश में कोहरे के असर के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल मौसम कुछ दिन सर्द बना रहेगा। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। एएनआई को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर मसले का समाधान संविधान के दायरे में होना चाहिए। न्यायपालिका से फैसला आने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी करेगी पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया है, सरकार को आलोचनाएं मंजूर हैं, देश की सुरक्षा के साथ समझौता मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सुनाखीन के मामले में फंसाया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी प्रेमियों को नए साल का दिया है नायाब तोहफा, 1 जनवरी से होने वाले निर्णयों की प्रतियां मांगे जाने पर हिंदी में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।